माननीय डिंपल यादव जी, माननीय धर्मेंद्र यादव जी और सारे सांसदों ने इस चीज को, मुद्दे को उठाया कि इस पर चर्चा कराइए, और चर्चा नहीं होगी तो कैसे उन लोगों को सजा मिलेगी जो आज कातिल हैं। आप ताज्जुब की बात है, आप हर बात पहरा देंगे। वहाँ डिस्ट्रिक्ट डीएम कह रहे हैं कि हमने एक जांच बैठा दी है, और जांच भी जो उन लोगों पर आरोप है अगर वही लोग जांच करेंगे तो कैसे हक और इंसाफ मिलेगा। इसकी जांच सिटिंग हाई कोर्ट के जज से होनी चाहिए, हमारी मांग है। और जो इसमें अधिकारी दोषी हैं, चाहे के विश्नोई जो पुलिस उपाधीक्षक अधीक्षक संबल है या सीओ अनु चौधरी है, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। सीधे गोली स्टेट फायरिंग कर रहे हैं और वो जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, हमारी मांग है। तभी इन लोगों को इंसाफ मिलेगा, जिन लोग पीड़ित परिवार हैं, जैसे अभी बताया कि पीड़ित परिवार के लोगों को, परिवार को उठा करके लेके गए वहां से, घर से उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि उनसे खाली कागज पे, कोरे कागज पे सिग्नेचर अंगूठे लिए गए और उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि हम लोग गुजर रहे थे, दो पक्षों में फायरिंग की, उस पर हमारी गोली चल गई। ऐसा जुल्म ज्यादती होगा तो क्या कानून रहेगा? आप लोग चौथा स्तंभ है, मेरी मांग है आप लोग सच्चाई दिखाइए। अपोजिशन पार्टीज भी आप लोगों के साथ है, बिल्कुल पूरी हमारी सपा के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ, इस संबल की घटना पर पूरे इंडिया गठबंधन साथ है और सब चाहते हैं इस पर चर्चा होनी चाहिए, उन दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन होते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी दिखाया है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कैसे दो गुटों के, एक गुट के लोग हैं जिन्होंने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ है, देसी पिस्टल मिली है, और कैसे वो इंसाइट कर रहे हैं क्राउड को। आपको इस सीसीटीवी फुटेज में एक बात कहना चाहूंगा, इस प्रश्न के लिए आप ही लोग मुझसे अच्छा जवाब देते हैं तो चौथा स्तंभ होने के नाते मुझे और खुशी होती। कपड़ा बांध करके मैं पूछ रहा हूँ, अगर इसमें इसकी जगह पर कल को आपके भी बच्चा हो सकता था, इन पुलिस अधिकारियों का भी बच्चा हो सकता था, अगर क्या उसके साथ भी ऐसे ये गोली उठा करके मारते? आप हैरान होंगे, एक व्यक्ति को जिन्होंने लाठी मारते मारते गिर गया, उसको पिस्टल से निकाल के गोली मार दी गई। ये कोई दूसरे देश के नागरिक, इस देश के दुश्मन थोड़ी है, इस हिंदुस्तान के सिटीजन है, नागरिक है, उनके साथ में ऐसा जुल्म, ज्यादती, अत्याचार। और मैं एक बात और बताता चलूं, ये कोई हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं है, कोई संभल के अंदर कोई हिंदू सामने नहीं है। अरे हिंदू तो छोड़, दूर की बात है, तो फिर मुसलमान, मुसलमान आपस में कहां से सामने आ जाएंगे? ये तो तंत्र को सामने ला करके चंद शरारती तत्व थे, जो 8 लोग थे जिन्होंने दायर की है, बाकी पुलिस और प्रशासन इस घटना का जिम्मेदार है। एक अगर सर्वे कंप्लीट हो गया था, दूसरे सर्वे कराने का डीएम को कहां से आदेश दे सकते हैं? कोर्ट आदेश देते, हमने सम्मान करा, दूसरे सर्वे भी करा दिया गया, और उसके बावजूद आप गोली चला रहे हो हमारे लोगों पर। आपके खिलाफ FIR है, आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसकी क्या कहें, जिसकी लाठी उसकी बहस, जो चाहे कर लें, आज सरकार उनके हाथ में है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार, जब जो व्यक्ति, यानी कि मैं अगर उस समय घटना पे मौजूद नहीं था, बेंगलोर हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो उसके बावजूद जिस दिन ये सर्वे हुआ उस दिन घटना नहीं हुई, मैं मौजूद था। जुमे के दिन जिस दिन नमाज से रोका गया मैं मौजूद था, तो कोई घटना नहीं हुई, और जिस दिन मैं मौजूद नहीं हूँ तो बलवा मैंने करा दिया। इन लोगों को तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, और शर्म, पूरा देश शर्मसार है, और देश नहीं, पूरे दुनिया के सामने देश की जो छवि खराब हो रही है। मैं मांग करता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को आगे आना चाहिए और इसमें जाकर के हालात को देखें। मणिपुर नहीं बनाए संबल को, मणिपुर के अंदर तो उन्होंने जाने की जहमत नहीं करी, लेकिन संबल का जो सूरत हाल हो रही है, बहुत अफसोस की बात है। जो हठधर्मी तानाशाही चल रही है, इस पर लगाम लगनी चाहिए। जो अननेम्ड FIR हुई है, उनकी आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उसको तुरंत रुकना चाहिए। ऐसी हमारी सारी माननीय सांसदों की मांग है, समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन की मांग है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ज़ियाउर रहमान को आप सुन रहे थे, उनका कहना था कि जिन लोगों पर इल्जाम लगा है वही लोग कैसे जांच कर सकते हैं, कसूरवार पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। एक बार फिर ये बात दोहराते दिखाई दिए ज़ियाउर रहमान यहाँ पर, ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं ये इनका कहना है। तो सीधे तौर पर सरकार पर उंगली उठाते हुए एक बार फिर ज़ियाउर रहमान यहाँ पर दिखाई दिए, और संबल को मणिपुर ना बनाए बड़ा बयान उन्होंने दिया है यहाँ पर, और FIR की आड़ में लोगों को परेशान किया जा रहा है क्योंकि FIR उनके खिलाफ भी दर्ज है। तो उनका ये कहना था, मैं तो बेंगलुरु में था जब ये पूरा वाकया देखने को मिला, तो जब मैं था ही नहीं वहां पर, मेरी गैर मौजूदगी में कैसे मेरे ऊपर उन्होंने FIR दर्ज कर दी है। तो पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए दिखाई दिए, पुलिस प्रशासन को घेरते हुए दिखाई दिए, और उनका कहना था जिनके खिलाफ आरोप सामने आ रहे हैं, जिनके ऊपर इल्जाम लगे हैं, वो कैसे इस मामले की जांच कर सकते हैं और जांच कैसे मानी जाएगी वो। तो पूरी तरह से यहाँ हमलावर होते हुए दिखाई दिए ज़ियाउर रहमान, और उनका कहना है हम लोगों के खिलाफ ही नोटिस जारी कर दिया।